वक्त हो चुकी है, जिस तरीके से आह्वान किया गया है, तस्वीर साफ हो चुकी है कि इस बार कांग्रेस हमलावर है। प्रियंका, राहुल और सोनिया गांधी तीनों ने ही यहां पर मोदी सरकार पर, नरेंद्र मोदी पर जमकर निशाना साधा। साफ तौर पर सोनिया गांधी ने कह दिया कि अब इस पार या उस पार की लड़ाई है, सबका साथ सबका विकास कहां पर है। यहां पर लोगों की नौकरियां जा रही हैं, लोग यहां पर नौकरियों को तरस रहे हैं। लोगों को लड़ाओ, असली मुद्दों को छुपाओ, यही नीति लेकर चल रही मोदी सरकार। वही बात की जाए अगर राहुल गांधी की, तो राहुल गांधी ने सबसे पहले अपने कार्यकर्ताओं की तारीफ की, उसके बाद में रेप इन इंडिया वाले बयान पर वापस से बीजेपी पर हमला किया, और आखिर में एक ऐसी बात बोली जिसने वाकई बीजेपी जरूर इस मुद्दे को पकड़ेगी, जिसमें उन्होंने कहा कि मेरा नाम राहुल सावरकर नहीं राहुल गांधी है। प्रियंका गांधी भी यहां पर सरकार पर पूरी तरीके से हमलावर दिखाई दी। विभाजनकारी कानून से देश को खतरा है, प्रियंका गांधी ने कहा। साफ तौर पर उन्होंने कहा कि यहां पर देश को बचाने का वक्त आ गया है, यानी कि नरेंद्र मोदी सरकार से देश को खतरा है, ऐसा प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा। क्या कुछ कहा प्रियंका गांधी वाड्रा ने, आइए आपको सुनवाते हैं। हर हिंदुस्तानी को समानता, स्वतंत्रता और स्वाभिमान देने वाला लोकतंत्र, लोकतंत्र की शक्ति देने वाला है ये देश। हमें इस देश को बचाना है, क्योंकि आज इस भारत में एक ऐसी सरकार और विचारधारा का साया छाया है, जिसके जरिए न समानता का अधिकार बचा है, न एक स्वतंत्र और स्वाभिमानी भविष्य का। कुछ सालों पहले हमारे देश की अर्थव्यवस्था ऐसी गति से बढ़ रही थी कि दुनिया हमारी तरफ देखने लगी। ये कहा जाता था कि चीन की तरह हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था भी इतनी तेजी गति से बढ़ रही है कि भारत की अर्थव्यवस्था भी विश्व की सबसे विकसित अर्थव्यवस्थाओं की तरह मजबूत बन रही थी। विदेशी पूंजी भारत में आने लगी, हमारे उद्योग मजबूत बने, मनरेगा जैसी ग्रामीण योजनाओं के जरिए रोजगार बने। लेकिन आज भाजपा के 6 सालों के राज के बाद स्थिति ये बन गई है कि रोजगार बढ़ने के बजाय घट रहे हैं, जीडीपी पाताल पर आकर आ गई है, महंगाई हद से ज्यादा बढ़ गई है, फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं, कार, मोटरसाइकिल, टीवी, फ्रिज, बिस्कुट, कपड़े, सब कारखानों का काम घट रहा है। आज भाजपा के 6 सालों के राज के बाद स्थिति ये बन गई है कि रोजगार बढ़ने के बजाय घट रहे हैं, जीडीपी पाताल पर आकर आ गई है, महंगाई हद से ज्यादा बढ़ गई है, फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं, कार, मोटरसाइकिल, टीवी, फ्रिज, बिस्कुट, कपड़े, सब कारखानों का काम घट रहा है, छोटा व्यापारी असफल जीएसटी से जूझ रहा है, एक तरफ आपसे काम छीना जा रहा है और दूसरी तरफ महंगाई बढ़ती चली जा रही है। फिर भी हर बस स्टॉप पे, हर अखबार में, हर टीवी के चैनल पे भाजपा के इश्तेहार में आपको लिखा क्या दिखता है? मोदी है तो मुमकिन है। असलियत ये है बहनों और भाइयों कि भाजपा है तो 100 रुपए की किलो की प्याज मुमकिन है, भाजपा है तो 45 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी मुमकिन है, भाजपा है तो 4 करोड़ नौकरियां नष्ट होना, भाजपा है तो 15,000 किसानों की आत्महत्या, भाजपा है तो हमारे नवरत्न कंपनियां की बिक्री, भाजपा है भारतीय रेलवे और एयरपोर्ट की बिक्री, भाजपा है तो ऐसे कानून बन रहे हैं जो हमारे संविधान के खिलाफ हैं, ऐसे कानून जिनकी विभाजनकारी नीयत से देश का